नमस्कार, मैं अतुल तोमर, नेटो मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों पर हैं, घरों पर आप अपने सुरक्षित हैं, ज़्यादा बेवजह घरों से बाहर मत निकलिए, बी सेफ एट होम। और अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि 25 मिनट के अंदर, मात्र 25 मिनट के अंदर हम कैसे अपना प्लान को प्रेजेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। तो उसके अंदर मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा, बस आपको उन स्टेप्स को कुछ बदलने की ज़रूरत है और मात्र 25 मिनट के अंदर आप बहुत बड़ा प्लान दे सकते हैं, बहुत अच्छे से प्लान डिफाइन कर सकते हैं। और रियल में आप कम समय के अंदर अगर अपनी ज़्यादा बात प्रेजेंट कर पाते हैं तो वही आपका टैलेंट है। उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि आज के समय के अंदर चाहे लोग घरों पर हैं, चाहे लोग फ्री हैं, बट फिर भी 1 से 1.5 घंटा आपकी कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान हम जितना शॉर्ट, स्वीट और सिंपल देंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो उसके अंदर कुछ हमें बेसिक्स, कुछ हमारे चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसा कि पहला चेंज है वो ये है कि आपकी जो पीडीएफ फाइल है उसको कम से कम शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी पीडीएफ फाइल के अंदर अगर 100 पेजेस हैं, अगर आपकी पीडीएफ फाइल के अंदर 50 पेजेस हैं, तो आपको उनको 10 पेजेस पे लाना पड़ेगा, 15 पेजेस पे लाना पड़ेगा, तब हमारा प्लान शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चेंज जरूर करेंगे। उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक एक प्रोडक्ट को एक एक स्लाइड पे लगा के रखते हैं, इसलिए हमें बहुत समय लगता है। तो आपको क्या करना है कि अपने सारे प्रोडक्ट्स को एक ही स्लाइड पे रखना है, या फिर मैक्सिमम आपको 2 स्लाइड पे रखना है, ठीक है। उसका क्या बेनिफिट होगा आपको कि आप जल्दी 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 आपके प्रोडक्ट्स के बारे में आप बता पाओगे। और दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ अपने 2, 4, 5 प्रोडक्ट्सों के बारे में डिस्कस कीजिए, उसके बाद आपको ये बात बोलना है कि सर हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको और जानकारी लेनी है, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, इसके हमारे पास में बहुत सारे रिजल्ट हैं, बहुत सारे हमारे पास में इसके परिणाम हैं, आप उस पर भी देख सकते हैं। उसके पीछे मैं क्यों आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि आप प्रोडक्ट को चाहे कितना भी डिफाइन कर दो, आपसे वो बाद में डेफिनेटली प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पूछेगा। इससे अच्छा है कि आप शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बताइए, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो है वो ये है कि हमारा जो बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान को हमें भी उसको भी शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिजनेस प्लान के अंदर एक एक स्लाइड को रीओपन रीओपन करके बार बार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका काम नहीं बनने वाला। आपको बिजनेस प्लान को भी शॉर्ट सिंपल करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं। जितने भी हमारे जो रैंक्स होते हैं, आपको क्या करना है कि कुछ रैंक्स तक आपको अच्छे से क्लियर करके बताना है, बट उसके बाद में आपको क्या करना है, आगे के जो रैंक्स हैं उनको आपको थोड़ा सा जल्दी 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 आपको जल्दी खींचना है उसको, जिससे आपका आगे, क्योंकि लंबा कोई भी सुनना पसंद नहीं करता सर, आपको जितना शॉर्ट से शॉर्ट आप बता पाओगे, सामने वाले को अपनी बात जितना कम समय के अंदर फॉरवर्ड कर पाओगे वो उतना ही आपसे इंप्रेस होने वाला है, ठीक है। और आपके अंदर, आप भी जानते हो कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रेजेंटेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रेजेंटेशन ही अच्छे से नहीं दिया तो कहीं ना कहीं बात नहीं बनने वाली। तो कहने का मतलब ये है। और इसके अलावा आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, क्योंकि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 4-5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला आता है हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा हमारा आता है हेल्थ प्लान, तीसरा हमारा आता है प्रोडक्ट प्लान, चौथा हमारा आता है बिजनेस प्लान, पांचवा हमारी आती है क्लोजिंग। तो हमें अपने सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपको कंपनी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। डायरेक्ट ही आप अपना बिजनेस प्लान शुरू मत कर देना। उसके बाद में क्या करना है आपको, सेकंड जो बात करनी है वो आपको हेल्थ के ऊपर बात करनी है, स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ी सी आपको बात करनी है। जब तक आप लोगों को स्वास्थ्य के बारे में अवेयर नहीं करोगे, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को नहीं बताओगे, तब तक वो सामने वाला इंसान आपसे कनेक्ट नहीं होगा। तो हमें हेल्थ के बारे में थोड़ा सा उसे डिफाइन करना ज़रूरी है। उसके बाद में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, 4-5 प्रोडक्ट्सों के बारे में आप उसको अच्छे से बताइए। उसके बाद में आप उसे ये बता दीजिए कि सर हमारे ये टोटल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इतनी कैटेगरी के अंदर इतने प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट के बारे में किसी को भी सुनना पसंद नहीं है। उसके पांचवी चीज हमारी क्या आती है, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान को मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट कीजिए, जो हमारे रैंक्स हैं उनको थोड़ा शॉर्ट कीजिए, तो आपको थोड़ा प्लान देने में आसानी होगी। और उसके बाद में हमारी क्लोजिंग, क्लोजिंग के अंदर हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, जितने भी हमारे जो अचीवर्स हैं उनके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। जब तक आप अचीवर्स के बारे में नहीं बताएंगे, सामने वाला आप पे बिलीव नहीं करेगा। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं
जो अगर हमने चेंज कर लिए, जो हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर हमने अपने सीक्वेंस बना ली, तो आपको प्लान देना बहुत आसान होगा। तो मुझे उम्मीद है आप इन बातों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप कम समय के अंदर शॉर्ट, सिंपल और स्वीट, यही तीन चीज़ें लोगों को पसंद है। और मैं आपको वादा कर सकता हूँ, अगर आपने कम समय में प्लान दिया तो आप ढेरों जॉइनिंग निकालोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जॉइनिंग निकालोगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सारी बातों को मैं मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। और आपने मुझे इतना ध्यानपूर्वक सुना उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि लोगों को ये पता चले कि हम कम समय के अंदर भी अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।